यहाँ कब्रिस्तान है अबा वहब, यहाँ जिंदा मुर्दे और मुर्दा मुर्दे मौजूद हैं। सब आराम कर रहे हैं यहाँ पर, हिसाब किताब के दिन के इंतजार में हैं। उस दिन किसी पर रहम न होगा। वाय हूँ मुझ पर कि मैंने कोई नसीहत और इबरत ना ली। कौन जनाबे वाला? हारून रशीद। चाची सब बन गई, इतनी रात गए कब्रिस्तान में आके बैठ गए वहाँ। हुजूर वाला रशीद, मुर्दों के साथ बैठा हूँ ताकि इनके अहवाल मालूम करूँ और इनकी शिकायत सुनूं। क्या शिकायत है इनकी? जनाबे वाला कहते हैं वहाँ देखें, वहाँ मकाम में मुलाकात है और यहाँ जाए कब्र। जानते हो क्यों वो ये कहते हैं? नहीं जानता मैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं जिसे खुदा ने नेमत अता की है, अगर वो मखलूस को दे वो नेक गिरोह में से है। हुक्म देता हूँ तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया जाए। कर्जा कर्जे से नहीं दिया जाता। आप पहले अपना कर्ज लौटाए हुजूर वाला। चाहता हूँ तुम्हें इनाम दूँ। वो जो आपने उसके मालिक से लिया है वो लौटा दें। खुदा की कसम कयामत के दिन खुदावंद मुताल आपसे पूछेगा। बस करो बाबा, बस करो ये बातें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चाहिए? पानी, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। क्या ठंडा पानी चाहिए इस कुजे से या गर्म पानी उस कुजे से? ठंडा पानी दो। अगर इसको भर के दूंगा तो बनेगा एक गीरात और आधे का होगा आधा गिरा। भर के दो, खुदा तुम्हें अज्र दे। ये लीजिए। खुदा का शुक्र है। तुम वाकई बहुत प्यासे थे, और भी चाहिए क्या? मैं यहाँ शहर में अपने एक जानने वाले शख्स की तलाश में हूँ। लगता है बगदाद में अनजान हो। मैं कूफे से आया हूँ। मैं अबू जाफर सक्का हूँ। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। बेशक पूछो पूछो। आलिम की तलाश में हूँ। जरूर खारजमी है। मेरा मतलब वो नहीं। फिर तुम्हारा मतलब जाबिर बिन अहियान है? इन दोनों में से कोई नहीं, कोई नहीं। बगदाद में एक आलिम व फकी शख्स की तलाश में हूँ जिसे अरसा हो गया मैंने नहीं देखा। उसका नाम क्या है? उसका नाम वहाब इब्ने अम्र है। वहाब इब्ने अम्र, क्या वो बगदाद का रहने वाला है? हाँ। क्या उसका घर मालूम है? अगर मालूम होता तो तुमसे नहीं पूछता। गुमशुदा की तलाश है। बगदाद बड़ा है और इसके मकीन कई हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अबू जाफर, इसे वहाब इब्ने अमर से क्या चाहिए? हुकूमत करने से थक गया हूँ, बेजार हो गया।
अब हमें आराम की जरूरत है। अब्दुल रहमान का कयाम कैरवान में है, शेबानी का कयाम सबीन तक, याहिया इब्न अब्दुल्लाह का कयाम दीलम से, राफे इब्न लैस का कयाम समरखंद तक। इन सब के अलावा दो बेटों के दरमियान नेहान में जंग जिदाल और मदाफीन और दोस्त, और बदतरीन चीज ये के छुपे दुश्मन मेरे ही करीब में घात लगाए बैठे हैं। आपका मतलब कौन से दुश्मन है जनाबे वाला? अलवी हैं जिनमें दुश्मनी अब तक शोलावर है। मूसा इब्न जाफर का तो कैदखाने में खात्मा हो गया, लेकिन उसके ऐसे दोस्त हैं जिन्हें खुदा ही जानता है। वो बदन की रगों की तरह हर जगह बिना हैं, उन्हें महसूस कर सकते हो देख नहीं सकते। यही है जिन्होंने खौफजदा किया हुआ है और नींदे हराम किए हैं। इत्मीनान रखें आका, उनके शर से छुटकारा पा लेंगे आप। कैसे? जासूस बढ़ा देंगे, उनकी हर हरकत पर नजर रखेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे और फिर एक साथ कैद खाने में कत्ल कर देंगे। क्या इस तरह मुझे सुकून मिल जाएगा इब्ने रबी? अगर खलीफा मुझे खुली छूट दे दें तो। इस बारे में किससे तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं? फिर हम झोपड़ियों से शुरू करेंगे और उनकी कौम के बड़ों के महलों तक पहुंचेंगे। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना इब्ने रबी, लोग बाहर रोमंड करना आ जाए और मेरे खिलाफ ऐलान जंग ना कर दें। सबको एक एक करके शिकार करेंगे खामोशी में। ये सब किससे सीखा? खुशामदीद, बहुत बहुत खुशामदीद शहर बगदाद में। तुमने कहा कि कूफा से आए हो? हाँ, उस शख्स की तलाश में हूँ जिसे अरसा हुए नहीं देखा। उसकी निशानी दो, शायद उसे जान लूँ। उसका नाम वहाब इब्न अमर है। वहाब इब्न अमर, वहाब इब्न अमर। हाँ, क्या उसे जानते हो? इस नाम से? मैं किसी को भी इस नाम से नहीं जानता। क्या तुम मुतमईन हो बगदाद में रहता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 3 साल हुए उसे नहीं देखा। क्या ये मुमकिन है कि जिस शख्स की 3 साल से कोई खबर नहीं मर गया हो? खुदा बेहतर जानता है। हाँ, मायूस ना हो जाबिर, इसी तरह उसका सुराग लगाते रहो, इजाजत चाहता हूँ। क्यों खड़े हो गए? इन 2 सीखों का क्या करूँ? तुम खुद ही इन्हें किसी जरूरतमंद को दे देना। एक सवाल है तुमसे। हाँ हाँ पूछो। क्या यहाँ करीब में कोई मुसाफिर खाना है? यहाँ से कुछ ही कदम के फासले पर है। खुदा हाफिज। वो मुनकिस इब्न मज़ाहिम का मुसाफिर खाना है। वहाब इब्न आमिर बड़ा खुश नसीब आदमी है कि उसका दोस्त 3 सीख कबाब मुझसे खरीदता है लेकिन 2 को नहीं खाता। जानना चाहता हूँ क्या हो गया है इस वक्त तुम्हारा घोड़ा दाएं बाएं घूम रहा है बवा। ये भूख से निडाल है जनाबे वाला। इसे बोर्चे खाने ले जाओ, जितना चाहे इसे खिलाओ। जल्दी कर मेरे घोड़े, जल्दी चल, खलीफा का मेहमान है तू। खलीफा हुक्म दे रहा है हमारे लिए ऐसा दस्तरखान बिछाया जाए जिसके बाद तुम कभी भूखे न रहो। जब तुम्हारा घोड़ा सेर हो जाए जल्द मेरे पास वापस आना। पहले आप अपने दस्तरखान पर मेहमान बनाते हैं हुजूर वाला, फिर कहते हैं जल्दी वापस आ जाओ। नहीं नहीं, भूखे दस्तरखान से न उठना। जल्दी कर मेरे घोड़े, जल्दी कर। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। ए जनाब, तुम वो शख्स नहीं जिसने ठंडा पानी एक गिरात में पिया? मैंने तुम्हारा खोया हुआ शख्स ढूंढ लिया। कहाँ है? तुरफा इब्न लैस, जो बगदाद के तमाम आलिमों को जानता है, उसने कहा कि वहाब इब्न अमर बसरे में रहता है। यानी फिर मसला वहीं का वहीं है। वो क्यों? क्या वो खुरमा फरोश नहीं? मेरा वो दोस्त खुरमा फरोश न था बल्कि एक फकीह और दानिश्वर था।
कोई ताज्जुब नहीं, शायद खुरमा फरोशी में इल्म व फिका की तालीम से ज्यादा फायदा उसने देखा होगा। याद आया मुझे। हाँ बोलो, क्या याद आ गया? तुरफत इब्ने लेस ने कहा। वो बात तो मैं समझ गया, और बोलो क्या कहना चाहते हो? मुझे कहा कि वहाब इब्ने आमर चंद माह हुए मर गया है। जानते हो कितनी बुरी खबर तुम मुझे सुना रहे हो? मौत खबर नहीं देती, लेकिन मायूस मत हो जनाब, इस वहाब का एक बेटा है, शायद अपने गुमशुदा को इसमें पालो। कुछ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने तो शादी ही नहीं की थी। हाँ, याद आया। सिर्फ इतना जान लो, मैं तुरफत इब्ने लेस की बातें नहीं सुनना चाहता। उसकी बातें सुनाने नहीं पलटा हूँ, तुम्हें बताना चाहता था कि कल सुबह सवेरे अस्फहान का ठंडा यख पानी पहुँचने वाला है। शायद कभी ऐसा पानी तुमने न पिया होगा। दूर हो जाए शख्स, मैं ठंडे पानी का क्या करूँ, अपने सर पर डाल लूँ। यकीन से कहता हूँ, ये ठंडा पानी सुबह सवेरे सबको भेज दूंगा। क्या हुआ? देख रहा हूँ तुम्हारे घोड़े का तो पेट भर गया। अब इसका दिल चाहता है मेवा खाए। ऐसे दे दो। लेकिन तैयार नहीं कि अपने मालिक से पहले खाए। पहले इसका मालिक खाए? हुजूरे वाला, मैं कैसे खा सकता हूँ जबकि भूख से खुला मुंह देख रहा हूँ? इसे भी खिलाओ। हाँ खाओ, खाओ, ये लो खाओ, इसे भी खाओ, ये भी खा लो, लगता है इसका पेट भर गया। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। डरता हूँ कहीं एक और मुंह न खोल दे ये अपना। उसे भी खिला दो। अभी खिलाता हूँ इसे जनाबे वाला। आ जाओ इधर, आओ, ये लो, ये लो, खाओ, ये लो। तुम ये लो, वो खाओ, इसकी कोई कीमत नहीं, ये लो, खाओ, खाओ, ये लो, ये लो, ये भी ले लो, खाओ बच्चों, खाओ, ये लो, शाबाश, खा लो, खा लो, ये लो, ये तुम लो, ये लो, ये तुम खाओ, 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 खाओ। मेरे आका, आपके दुश्मनों की गिनती शुरू कर दी गई है। एक ही दिन और रात में? बल्कि एक ही दिन में। मेरे दिल को सुकून नहीं मिला इब्न रबी। मेरे हुजूर, मैंने तुमसे कहा था, उन्होंने बदन में रगों की तरह सब जगह जड़े निकाली हुई हैं, तुम इन्हें नहीं गिन सकते। मैंने कहा काम शुरू कर दिया है, फिर मेरे आका क्या हुक्म देते हैं मुझे? बहलूल, अब वहाब। लेकिन उसे क्या हो गया है? मैं चाहता हूँ उस पर ज्यादा नजर रखो। वो तो हमेशा आपके साथ होता है। वो बहुत चालाक और होशियार है, अब वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। अब कोई उसके धोखे में नहीं आता जनाबे वाला। कहना चाहते हो तुम्हें भी उस पर शक है इब्न रबी? सिर्फ मैं और आप ही नहीं जनाबे वाला, बहुत से आम और हम जैसे खास लोगों का यही एतकाद है। फिर इसमें कोई शक नहीं कि ये अबा वहाब अपने कामों पर खोल चढ़ाए हुए है। वो क्यों खोल चढ़ाए हुए है? वो आपके दुश्मन मूसा इब्ने जाफर का यार वफादार है। ये वो चीज है जिसे मैं साबित करना चाहता हूँ। अपने जवाब से मुझे कुछ सुकून मिला। सुन इब्न रबी, आज से उसके गिर्द घेरा तंग कर दो। अपने आदमियों को ये काम सौंप दो कि रात दिन उस पर कड़ी नजर रखें, ख्वाब बेदारी में उठते बैठते वक्त। और अगर जरा सभी सबूत तुम्हारे हाथ लगे, उसे मेरे पास ले आओ। मेरे घर में दुश्मन है और मैं नहीं जानता। मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा मूसा और फिरौन की कहानी दोहराई जाए।
बाबा अक्सम, किस वजह से तुम यहाँ आए? पहले बताओ कि कहाँ थे जो इतनी रात गए घर आ रहे हो? लेकिन क्या हुआ है अक्सम? खलीफा का वजीर। खलीफा के वजीर को क्या हुआ है? अपने सिपाहियों के साथ तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा था, भूखे भेड़ियों की तरह गोश्त की तलाश में। छोड़ दो उन्हें, वो अपनी गुमराई में ही सरगर्म रहे। अंदर नहीं आओगे अक्सम? नहीं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, रात बहुत हो चुकी है। मैंने तुम्हें बता दिया, खुदा का शुक्र मुझे सुकून हो गया। खुदा का शुक्र, खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है, वो लोग जो कल तक मुझे अपना दुश्मन समझते थे आज मुझे अपना दोस्त जानते हैं। खुदा का शुक्र है। वो शख्स जो डंडे पर सवार है कौन है? वो बहलूल है, उसे नहीं जानते। वो उस डंडे पर क्यों सवार? उस डंडे को अपना घोड़ा समझता है। फिर तो उसका खुदा ही हाफिज है। ये मत भूलना, वो बहुत अकलमंद और होशियार है। होशियार है, लेकिन वो तो डंडे पर सवार है। न सिर्फ इस बाजार के लोग बल्कि यहाँ के तमाम मकीन उससे मदद लेते हैं। वो किस तरह लोगों की मदद करता है? अपनी होशमंदी और दानाई से उनके मसाइल हल करता है, हत्ता अगर जुल्म करने वाला खलीफा ही क्यों ना हो। उसे मिलने को बड़ा दिल करता है। उससे मिलोगे क्या? उसका घर कहाँ है? इसके अलावा पूछो, वो काब की तरह है, मैदान करख उसके मसाइल हल करने की जगह है। खुदावंदा हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, अपनी करामत के सदके इज्जत अता कर इस्लाम और मुस्लिमीन को, ख्वार और जलील कर दे अहले निफाक और मुनाफिकीन को, और करार दे हमारे लिए दुआ और अपनी इताहत को, हमें कायम रख सीधे रास्ते पर, और ऐसा रिज्क हमें अता फरमा जो दुनिया और आखिरत में हमारे काम आए। जानते हो क्या पिया? ये अहम नहीं, अहम ये है कि खलीफा के महल में पिया है। हमने तुम्हें ऊंटनी का दूध दिया। लेकिन आपने मुझसे पहले पिया और खलीफा बन गए। ये क्या किया? क्या किया बाबा? अब ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों हर बार इस डंडे के बारे में पूछ गूछ करते हो? भूल गया ये तुम्हारा घोड़ा है? ये वो डंडा है जिसके साये में मैं पोशीदा हूँ तुम पर हमला करने के लिए। क्या भूल गए हम आपस में रिश्तेदार हैं? बाबा क्या जब चाहो यहाँ खाना खाने नहीं आए? तुम हमारे अनीस मोहसिन थे, फिर क्यों क्यों मार रहा हो? Thank you.
आखिर सफर का अंजाम क्या होगा? क्या मैं खाली हाथ ही कूफे लौट जाऊंगा? यानी कि अबा वहाब वही शख्स जो डंडे पर सवार था, क्या ये वही वहाब इब्न अमर है? यानी अबा वहाब जिसके बारे में सक्के ने मुझे बताया था, वहाब इब्न अमर पर भी ये बात सादिक आती है। लेकिन इस डंडे और उस लिबास में इसकी क्या दलील होगी? सईद, खुश आमदीद। सईद, खुश आमदीद। देर कर दी तुमने। तुम्हारे दोस्त और साथी कहाँ हैं सईद? वो सब वहाँ पर हैं। सबको बुला लाओ, मैं बहुत सा खाना और मेवा उनके लिए लाया हूँ। जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। ये लो, ये लो, ये लो, तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। मजेदार मेवा है, खूब पेट भरकर खाओ। शाबाश, ये तो बिल्कुल वहाब का हमशक्ल है। खूब पेट भरकर खाओ। हाँ, खुदा की कसम, ये वही शख्स है। ये लो, ये लो, ये लो, तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। उफ़ हो तुझ पर ऐ जाबिर, कैसे वहाब जो एक आलिम और दाना शख्स था इस हुलिये में बदल गया? खुदा की कसम, ये वही है। कोई फर्क नहीं उसमें और इसमें जिसे मैं जानता हूं। वहाब, तुम वहाब इब्ने अमर हो? जाबिर कोफी। कहाँ जा रहे हो वहाब? आराम से बोलो जाबिर, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरे पीछे आओ, बाद में बात करेंगे। आओ। तुम्हारी क्या राय है? क्या मुमकिन है वो किसी वक्त हमारे मुकाबिल कायम करे? ये मत भूले जनाबे वाला, वो वहाब इब्ने अम्र है। महल के राज बाहर ले जाता है और आपके खिलाफ बातें करता है। उसके साथियों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जो भी होता है, हारून रशीद से पूछीदा नहीं। इब्न रबी, इस वजह से तुमसे कहा है उस पर नजर रखो। बताओ उसके घर से क्या मिला? सिर्फ एक बोसीदा दरी, एक कूजा और कुछ बुनी हुई टोकरियां। इनके अलावा किसी और चीज का तस्वर भी नहीं कर सकता। मगर तुम उसका लिहाफ, बिस्तर और तकिया देखना भूल गए? ये है मेरी कहानी जाबिर, शुरू से लेकर आखिर तक। खुदा की कसम, जो सब्र तुम में है उस पर मुझे रश्क आता है। और इस सब्र ही ने मुझे हिला दिया है और मुस्तरिब कर दिया है। इसी सब्र ने तन्हाई में खून के आंसू रुलाया है। क्या तुम समझते हो कि मैं ऐसा करता? अगर वो बुजुर्ग हस्ती मुझसे ये ना चाहती, मेरे इमाम मूसा इब्ने जाफर, क्या तुम्हारे ख्याल में मैं डंडे पर सवार होता और लोगों के दरमियान घूमता ताकि वो मेरा मजाक उड़ाए और हंसे? लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, बाजार कर्ख में किसी को ना पाया जो तुम्हारे दीदार का मुश्ताक ना, और वो सब तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार है। खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र। सुनो जाबिर, बेहतर है कि रात की तारीकी का सहारा लेकर यहाँ से निकल जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। किस चीज से डरते हो तुम अबा वहाब? सुल्तान से। खलीफा उन लोगों का दुश्मन है जिनका राबता इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से है। लेकिन खुदा से उम्मीद है फिर मुझसे मिलोगे। मुझे लगता है मैं फिर तुमसे ना मिल सकूं जाबिर। मैं बगदाद और उसके रहने वालों को महल की बदबख्तियों के हमरा खूब जानता हूँ। लेकिन इस तारीक रात में कहाँ जाओगे? मुनका से अपने मुजाहिम के मुसाफिर खाने जाऊंगा। मुनकस, 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 मुनकस। एक रात की जगह एक दिरहम, पानी आधा दिरहम, हवा दो दाने, रोशनी एक रात। ऐसा लगता है तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। क्या लालची आदमी है। जाबिर, आज रात इस खुली फजा में ठहर जाते हैं और सुबह होते ही अपने अपने काम की तरफ रवाना हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ अपना दर्द दिल सुनाऊं तुम्हें।
आपके लिए खुशखबरी लाया हूं जनाबे वाला। ये क्या है? सबूत है हुजूरे वाला। इन्हें कहां से लाए हो? बहलूल के घर से, अबा वहाब, जो डंडे पर सवार बाजार कर्ख में सारा दिन घूमता रहता है। मुझे कोई शक न था, ये वही चीज है जिसके तरपे था मैं। जल्द से जल्द उसे पकड़ो। अक्सम, ए अक्सम, बताओ क्या हुआ जाबिर? फजल इब्ने रबी ने वहाब इब्ने अमर का राज फाश कर दिया। मत डरो मत डरो, वहाब खलीफा का रिश्तेदार है, फजल इब्ने रबी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। किसी बात से न डरो, खलीफा उस पर बहुत मेहरबान। लेकिन जो वाकया पेश आया है उस पर मैं मुतमईन नहीं हूँ। इत्मीनान रखो इत्मीनान, आज ही वो अपने घर आ जाएगा, वरना बाजार कर्क में और शहर भर में ऐसा हंगामा शुरू हो जाएगा जो खलीफा को हिला कर रख देगा। ये क्या है अब आप जो मैं देख रहा हूँ? कुछ किताबें और कागज है जनाबे वाला। इन्हें कहां से लाए हो? मूसा इब्ने जाफर के घर से। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है जबकि तुम डंडे पर सवार होकर पागलों की तरह गलियों में घूमते हो? इसकी जरूरत इंसान को मुताले और मसरूफियत के लिए है जनाबे वाला। ये कैसी मसरूफियत है बाबा, जबकि जानते हो ये सब हमारे दुश्मन का वरसा है। मैंने कभी आपका कीरा दिल में नहीं रखा। मेरे मुकाबले में खड़े होकर झूठ बक रहे हो। अगर ये सब तुम्हारे मुताले और मसरूफियत के लिए है तो बन गए क्या है? वाह हो तुझ पर अबा वहाब, वो चीज भूल गए हो जो तुम्हें इनके सामने रुसवा कर देगी। फिर क्यों मुर्दों की तरह चुप लग गई? ये मूसा इब्ने जाफर का तेरे नाम खत है जिसमें मालूमात इकट्ठा करने और लोगों को हमारे खिलाफ तहरीक चलाने को कहा है। आखिरकार पकड़े गए, अब कोई भी तुम्हें मेरे चुंगल से नहीं बचा सकता। हाँ, मैं दिखावे का पागलपन कर रहा था, इससे इनकार नहीं करता। कुछ अरसे से मुझे तुम पर शक था, अब यकीन हो गया। लेकिन क्यों ये रूप ढाया था? क्यों मेरे खिलाफ थे और कैसी साजिश कर रहे थे बताओ? मैंने कभी भी आपके खिलाफ साजिश नहीं की, सिर्फ हक और हकीकत की पैरवी में था। ये कैसा हक और हकीकत है? क्या मैंने तुम्हें मुनसिफ आला नहीं बनाया लेकिन तुमने कबूल नहीं किया? कबूल नहीं किया इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि बुजुर्गस्ती मूसा इब्ने जाफर पर तलवार उठाऊं, क्योंकि मैं उनका पैरोकार हूं। इसलिए बजाहिर दीवाना बन गए तुम ताकि इस मुश्किल काम को अंजाम दो? हरगिज इस बात से इनकार नहीं करूंगा। मेरे आका रशीद, फौज आपका इंतजार कर रही है। जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे, बहुत जल्द। बता दो, आ रहा हूँ, सिर्फ लिबास जंग पहन लूं और तलवार उठा लूं। आपका हुक्म सर, आंखों पर। मैं भी आज ही की रात खुरासान जा रहा हूँ ताकि राफे इब्न लैस के कयाम का मुंह तोड़ जवाब, लेकिन वापस लौटूंगा और जान लो सख्त से सख्त सजा तुम्हारे इंतजार में है। सिपाहियों, इसे घर ले जाओ और वहीं नजरबंद कर दो। कुछ खाना पानी दे दो इस हद तक के जिंदा रहे। इसके हाल पर रहम मत खाना जब तक कि मैं वापस ना जाऊं। तुम्हें मोहब्बत, कोशिश, सच्चाई और अमानतदारी की अदायगी की सिफारिश करता हूं। अपनी जिम्मेदारी को हक जान कर अदा करें, लोगों से नेकी के साथ पेश आए, मस्जिदों में नमाज पढ़ें, बीमार की आयादत और तशय्ये जनाजा में पहल करें, खुदा से डरें और परहेजगार बने, और तंग दस्त मुसलमानों के मददगार बने।
लोगों के साथ सच्चाई इख्तियार करें। जो शख्स लोगों के साथ सच्चाई और ईमानदारी से पेश नहीं आता, अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देता है। हजरत ईसा इब्ने मरियम के हवारियों की तरह अमल ना करना, जिन्होंने करीब ही को देखा और दूर को छोड़ दिया। अगर हकीकत में उनके रास्ते की जुस्तजू है, किसी भी तरह खुद को दीवाना जाहिर करें। तुम्हारे मौला तुम्हारी सच्चाई से बाखबर है, फिर जरूरी नहीं कि वो लोग तुम्हें झूठा समझें।